स्वच्छता में नंबर वन शहर इंदौर के पड़ोसी देवास ने सफाई में नई इबारत लिखी है। नगर निगम देवास के तत्वावधान में यहां व्यापक सफाई अभियान चलाया जा रहा है। रात के अंधेरे में शहर की सफाई में जुटे देवास नगर निगम के ये कर्मचारी शहरी स्वच्छता की एक सुंदर तस्वीर पेश कर रहे हैं। दरअसल माँ चामुंडा की पावन नगरी देवास के रहवासियों ने स्वच्छता को अपनी आदत बना लिया है। यहाँ किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम के तुरंत बाद सफाई अभियान चलाकर उसे तुरंत साफ सुथरा बना दिया जाता है। शहर की सफाई के साथ साथ लोगों को भी स्वच्छता के लिए प्रेरित किया जा रहा है। नगर निगम ने शहरवासियों को सफाई अभियान से जोड़ने के लिए जीरो वेस्ट इवेंट और इको फ्रेंडली पंडाल की स्पर्धा शुरू की है। देवास की प्रसिद्ध चामुंडा टेकरी पर स्वच्छता के 3R पर आधारित उपक्रम शुरू किए गए हैं। शहर में कबाड़ का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए स्पोर्ट्स पार्क को सजाया गया है। शहर में होने वाली राजनीतिक रैलियों का धार्मिक समागम के तुरंत बाद उस मार्ग की सफाई सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही रेहड़ी पर खाने पीने अथवा अन्य दुकान चलाने वालों को प्रेरित करके डस्टबिन का उपयोग सुनिश्चित किया गया है। सेवा पखवाड़ा केंद्र शासन और राज्य शासन का प्राथमिकता का विषय है, जिसमें स्वच्छता को लेकर देवास सदैव ही अग्रणी रहा है और आगे भी अग्रणी रहेगा। इन सेवा पखवाड़े में हमारे द्वारा जो सफाई मित्र हैं, जो सेवा स्वच्छता वगैरह उसमें सभी कार्य करते हैं, उनका स्वास्थ्य का परीक्षण, उनको सुरक्षात्मक अभी उपकरण की प्राप्ति, इसके साथ में जो भी सफाई मित्र हमारा अच्छा कार्य कर रहा है उसको पुरस्कृत करने का कार्य, साथ ही जन जागरूकता में हम ये भी कर रहे हैं कि समाज का, सामाजिक संस्थाओं का, अन्य राजनीतिक संस्थाओं का सफाई करने के लिए या कचरे के डिस्पोजल्स के लिए या फिर अन्य प्रकार से हम उनका सहयोग भी लेते हैं, उन्हें जागरूकता पैदा करते हैं। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के दौरान शहर में सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहरवासियों को अपने आसपास सफाई रखने के लिए प्रेरित करने स्वच्छता लीग, सफाई मित्र, सुरक्षा शिविर और सामूहिक स्वच्छता अभियान जैसी गतिविधियाँ आयोजित की गई। सफाई पखवाड़े के दौरान पुराने कचरे को साफ करना, कूड़ेदान, सार्वजनिक शौचालय, कचरा स्थल, अपशिष्ट ढोने वाले वाहनों और सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं जैसी सभी स्वच्छता संपत्तियों को मरम्मत, पेंटिंग, सफाई और ब्रांडिंग करना, बाजारों, सार्वजनिक स्थानों और पर्यटन स्थलों पर स्वच्छ भारत मिशन दीवार पेंटिंग, स्वच्छता प्रदर्शनी का आयोजन, स्वच्छता प्रश्नोत्तरी का आयोजन, वृक्षारोपण अभियान, स्वच्छता शपथ और स्वच्छता दौड़, इसके साथ ही साइकिल रैली आदि कार्यक्रम आयोजित किए गए। देवास नगर निगम के द्वारा स्वच्छता को लेकर एक नई पहल और की गई है कि जितने भी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजन में जो जुलूस, रैली या भी चीज़ें निकलती हैं, तो हम लोगों ने यह इनिशिएटिव लिया है कि उसके निकलने के तुरंत बाद ही उस मार्ग की, उस रूट की सफाई हम लोग सुनिश्चित करते हैं, ताकि कचरा उसी समय साफ हो जाए और बाद में किसी प्रकार का कचरा ना फैले। ये जुलूस, रैली वगैरह जब भी निकलते हैं, चाहे दिन में हो चाहे रात में, हम इनिशिएटिव लेके उसके तुरंत बाद उसकी सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करते हैं। स्वच्छता लीक में एक और पहल देवास नगर निगम द्वारा की गई है कि जितने भी हमारे सफाई मित्र हैं, सफाई मित्रों का प्रशिक्षण का एक दो हमने आयोजित किया है, जिसके अंदर हम जो भी राष्ट्रीय शहरी विकास योजना है विभिन्न प्रकार की, उन योजनाओं की जानकारी हमने उनको दी है कि उस योजनाओं से वो किस प्रकार से लाभान्वित हो सकते हैं और
कहाँ कहाँ हमारे मतलब सफाई के साथ में भी अन्य योजनाओं का लाभ जो है शासन से और केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के पड़ोसी देवास ने स्वच्छता में नवाचार करते हुए एक बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत किया है। देवास नगर निगम के ये प्रयास सराहनीय और अनुकरणीय है। देवास से नितिन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। आज के हमारे बुलेटिन में बस इतना ही। आपके पास भी यदि हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए कोई सुझाव हैं या स्वच्छता और जल शक्ति से जुड़ी हुई किसी मुहिम को आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाना चाहते हैं तो हमें ईमेल कीजिए cleanindiaddnewsmp@gmail.com पर। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा, नमस्कार। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने।